नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग कानपुर। ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से नष्ट हुई खड़ी फसल को देख परेशान किसानों का दर्द जानने पहुंची कानपुर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष उषा रानी कोरी। बीती रात और अभी हाल ही में जनपद कानपुर नगर में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से चिंतित जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण की अध्यक्ष उषा रानी कोरी जी आज अपने साथियों के साथ श्री दिनेश शुक्ला चौबेपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और अनिल शर्मा व आर्यन सिंह चंदेल के साथ तहसील बिल्लौर क्षेत्र के गौरी लखा, रावतापुर, चंपतपुर, प्रतापपुर, मितनपुर, मुडैर, तोड़कापुर, जगतपुर, चकसंबरपुर आदि गांवों के किसानों से उनकी फसल के ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से बर्बाद हुई फसल का उनके खेतों पर जाकर मुआयना किया। आज चौबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत यहां किसानों से आकर के मैं मिली, मितनपुर, प्रतापपुर, जादेपुर, घस्सा और इधर कई खेत हैं जहां पर हम किसानों से आकर के मिले। कल रात में ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की जो फसलें बर्बाद हो गई हैं उसी के संबंध में हम किसानों से मिल करके जानकारी लिए। उन्होंने कहा हमारी 70% फसल बर्बाद हो चुकी है, जो बहुत फसल गिर भी गई है, पूरे पूरे खेत गिर गए हैं और बहुत फसल ऐसी है जो कि आधी गिरी हुई है, लेकिन कुछ उसमें भी 70-75% किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। तो ये सब देख करके बहुत मन दुखी हुआ और किसान भी बहुत, आज जो कमर तो मेहनत करता है और अंत में जब फसल लेने की बारी आती है तो आज बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। हम कांग्रेस के लोग इस सरकार से किसानों की फसलों का मुआवजे की मांग करते हैं कि फसलों जो फसल बर्बाद है उनका मुआवजा दिया जाए किसानों को। अगर मुआवजा नहीं दिया जा रहा था तो हम लोग कांग्रेस के लोग किसानों की आवाज़ उठा करके और मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।